हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स का कोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज उसी सीक्वेंस में हमने जो टॉपिक लिया है सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स हमारा एक टाइप का टैक्स है। ये जो हमारा कुछ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिन पे ये अप्लाई होता है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये सिंटैक्स क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। गवर्नमेंट जो है सिंटैक्स अगर अप्लाई कर रही है कुछ पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस पे तो उसका रीजन क्या है और उसके प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स, इट इज़ ए प्लेस्ड ऑन सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज एट टाइम ऑफ परचेस। जब हम कुछ पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज जो है खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो उस टाइम पे जो है टैक्स जो है लगता है, तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। तो ये जो पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारे लिए क्या हैं? हार्मफुल है और कॉस्टली टू सोसाइटी। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ऐसा परसीव्ड किया जाता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल और सोसाइटी के लिए क्या है? कॉस्टली है। इनके एग्जाम्पल में हमारे क्या हैं? सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल्स एंड गैम्बलिंग और बहुत सारे हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे। अगर आप सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल, गैम्बलिंग इन सब चीज़ों का जो है आनंद उठाते हैं तो क्या होगा? आप कहीं ना कहीं या तो खुद को हार्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं या तो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए इनके कंजम्पशन को कम करने के लिए सरकार एक टैक्स अप्लाई करती है। वो टैक्स हमारा क्या होता है? सिन टैक्स होता है। सिन टैक्स का जो मेन पर्पज होता है टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स एंड टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। जब सरकार सिन टैक्स इन हार्मफुल प्रोडक्ट पे जो है लगाती है तो क्या होता है? एक तो इनका कंजम्पशन कम हो जाएगा क्योंकि जो है सिन टैक्स लगने के बाद इनकी प्राइस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जो गवर्नमेंट फिर रेवेन्यू जो इनसे कलेक्ट करती है वो भी ज़्यादा होती है। फिर इन रेवेन्यू जो सिन टैक्स के द्वारा आया उस रेवेन्यू को गवर्नमेंट क्या कर सकती है? दूसरे कामों के लिए यूज कर सकती है। जैसे इनके द्वारा जो पर्सन इन हार्मफुल प्रोडक्ट का कंजम्पशन करेंगे उनके द्वारा सोसाइटी को कहीं ना कहीं हार्म जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसे आप अगर अपनी सोसाइटी में देखते होंगे कि लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करके क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने आसपास जो है मारपीट करते हैं, गालियां देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो है इन रेवेन्यू का यूज करके क्या कर सकती है? जो है एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय जो है हायर कर सकती है जो हमारे सोसाइटी पर निगरानी रखेगी कि जो गवर्नमेंट द्वारा रूल एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं उसको क्या किया जाए? फॉलो करवाया जाए लोगों के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि सिन टैक्स का प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इसके क्या पॉजिटिव साइड है एंड क्या निगेटिव साइड है। अगर पॉजिटिव साइड की बात किया जाए तो ये क्या करता है? डिसकरेज अनहेल्दी और इमोरल बिहेवियर। अनहेल्दी मीन्स जब आप टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल का जो है कंजम्पशन करते हैं तो ये हेल्थ को आपके नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा है कि आप जब इन चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं तो आप जो है इमोरल बिहेवियर भी कर सकते हैं। कुछ घटनाएं घटित होती हैं हमारे आसपास, हम यार न्यूज़ में सुनते रहते हैं जो है नशे में हो जाती है। तो इसीलिए जो है क्या करती है, जब अगर सिन टैक्स लगेगा तो इनका प्राइस बढ़ेगा, कंजम्पशन लोगों के द्वारा कम होगा क्योंकि जब महंगा होगा तो हर आदमी जो है नहीं खरीद सकता है। और अगर इसी का हम कौन से देखें तो क्या है? नॉट इनफ टू एलिमिनेट एज रिग्रेसिव नेचर। जो हमारा ये टैक्स है सिन टैक्स, ये हमारा टैक्स जो है पूरी तरह से जो है हमारे ये कंजम्पशन को कम नहीं कर सकता। सिन टैक्स हमारा रिग्रेसिव नेचर है। हमने जो मेथड ऑफ टैक्सेस में देखे थे कि जो हमारा रिग्रेसिव नेचर क्या होता है, ये हमारा जो होता है टैक्स रेट हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है एक्स एक्सिस पे इनकम हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इनकम जो है बढ़ती है टैक्स रेट हमारा क्या होता है? कम होता जाता है। और रिग्रेसिव नेचर अगर हम टैक्स की बात करें तो ये टैक्स हमारे जो पुअर थे उनके लिए क्या होता था? बर्डन होता था। तो यहाँ पे जो पुअर पर्सन है उनके लिए क्या हो गया? टैक्स जो है अधिक हो गया और जो हायर इनकम वाले पर्सन है उनके लिए टैक्स रेट क्या है? कम है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पुअर पर्सन को क्या करता है? डिमोटिवेट करता है और उनको एक गलत रास्ते पे जो चीपर रेट हमारे जो ड्रग्स हैं उनको कंजम्पशन के लिए जो है आकर्षित करता है।
और अगर दूसरा पॉजिटिव साइड हम देखें तो गवर्नमेंट रिवेन्यू इंक्रीजेस, जो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि जब सिन टैक्स अप्लाई किया जाता है प्राइस इंक्रीज होता है, और दूसरी साइड क्या होता है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंक्रीज होता है। लेकिन कंज्यूमर गेट्स इन्वॉल्व इन चीपर हार्मफुल एक्टिविटी, ये मैंने आपको ऊपर बताया कि जैसे जैसे टैक्स रेट जो है हमारा बढ़ेगा तो हमारे जो पर्सन्स होंगे, जो पीपल्स होंगे, पुअर पीपल्स खास तौर से, वो हमारे किस तरह मोटिवेट होंगे, वो चीपर जो ड्रग्स है जो बहुत सस्ते दामों पे आते हैं उन ड्रग को कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देंगे। और जो ये चीपर ड्रग्स होते हैं हमारे, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो जो रिवेन्यू इसके द्वारा मिलता है सिंटैक्स के द्वारा, वो क्या किया जाता है, सोसाइटल कॉस्ट को कवर करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई पर्सन अगर स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग के द्वारा उसे हो सकता है कैंसर हो जाए, तो उस कैंसर को इलाज करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो सिन टैक्स के द्वारा पैसा मिला रहता है उसी पैसे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट आते हैं, मेडिकल्स आता है, डॉक्टर का खर्च उठाया जाता है, ताकि पर्सन को क्या किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। निगेटिव साइड में क्या है, लीड्स टू स्मगलिंग। अगर सिन टैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो लोग जो है, जो हमारे व्यापारी हैं वो बचेंगे कि जो है ब्लैक तरीके से वो ड्रग्स की जो है सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो ड्रग्स क्या होगा, महंगा होगा, और जो है उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कोशिश करने लगेंगे कि इलीगल एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जो हमारा क्या लीड देगा, लीड्स टू स्मगलिंग। तो स्मगलिंग लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे स्मगलिंग में, जो कानून की नज़र में क्या है, एक अपराध है। ठीक है, तो आज हमने सिन टैक्स सीखा है, हमने देखा सिन टैक्स आखिर गवर्नमेंट क्यों अप्लाई करती है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लर्निंग।